मंडी के ऐतिहासिक चेंजुक और नॉन के पानी में सीवरेज का रिसाव होने से पानी पूरी तरह से दूषित हो चुका है, जबकि गुजरती बस्ती और बाहर से आने वाले प्रवासी नहाने और कपड़े आदि धोने के लिए इसी पानी का प्रयोग करते हैं। करीब 20 फुट गहरे इस ऐतिहासिक नॉन में प्रवासी मजदूरों और रेड़ी फेड़ी लगाने वाले गुजराती लोगों के बच्चे यहीं पर नहाते रहते हैं, जबकि नॉन के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से कोई रेलिंग आदि तक नहीं लगाई गई है, जिससे यहां पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। नगर परिषद की लापरवाही का आलम यह है कि इस ऐतिहासिक नॉन का रख रखाव तो दूर, यहां ना तो सफाई की व्यवस्था की गई है और न ही राष्ट्रव्यापी स्वच्छता मिशन के तहत इस क्षेत्र को खुला शौच मुक्त करने की दिशा में कोई प्रयास किए गए हैं। आलम यह है कि गुजराती बस्ती के करीब 25 परिवारों के लोग साथ बहती सुकेत खड़के किनारे शौच के लिए जाते हैं और स्वच्छता अभियान की शहर के बीचों बीच धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नगर परिषद की ओर से यहां पर ना तो इन लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था की गई है और ना ही स्नानाघार आदि बनाया गया है, जिससे यहां रहने वाले लोगों का जीवन गंदगी और बदबू के चलते नरक जैसा हो गया है। पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम ने चेंजू नॉन गुजराती बस्ती का दौरा किया। इस अवसर पर डीएसपी हेडक्वार्टर हितेश लखनपाल ने कहा कि ऐतिहासिक नॉन में सीवरेज का रिसाव होने की वजह से पानी दूषित हो गया है, जबकि इसके सामने रेलिंग न होने से कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेवार विभाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, वहीं पर उपायुक्त से मिलकर यहां पर शौचालय आदि की व्यवस्था करवाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे कि हमने प्रोग्राम भी चलाया हुआ है, क्योंकि जिंदगी है आपकी, और चाइल्ड लाइन के साथ इकट्ठे मिलकर मंडी पुलिस ने जो आज जैन चुका नॉन है यहाँ पे जो स्लम है, यहाँ बच्चों को और लेडीज को हमने एड्रेस किया, इनको बताया गया कि स्कूल पे जाने का क्या मतलब है और अपने साफ सफाई रखने का क्या मतलब है, और भी इनके रिलेटेड जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे शौचालय नहीं है, यहाँ पे जो पानी का जो नॉन है ये गंदा है, तो ये भी हमने इनको आश्वासन दिया कि हम अपने आप ही इसको मिलकर हम सब लोग मिलकर साफ करेंगे। और जहां तक टॉयलेट्स की वॉशरूम की बात है, वो भी आज ही हम जिस हिसाब से बात करके इनके लिए स्पेशल इनिशिएटिव लेंगे कि यहाँ पे वॉशरूम होने चाहिए। उसी तरीके से जो आंगनवाड़ी है वो बच्चों को यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, साथ ही साथ हम और अनुरोध करेंगे कि और भी जो लोग हैं साथ मिलकर, चाहे वो IIT से हैं हम लोग हैं और भी प्रबुद्ध लोग हैं, वो आए यहाँ पे और बच्चों को अवेयर करें, उनको पढ़ाएं। हमने डिस्ट्रिक्ट मंडी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अभियान शुरू किया है नन्हे हाथ कलम के साथ। इसमें हम डिस्ट्रिक्ट मंडी में जितने भी स्लम है, मंडी में, सुंदर नगर में, जुगेंद्र नगर में और सरकार घाट में, यहाँ हम विजिट करेंगे। लोगों ये जो स्लम के बच्चे हैं इनको स्कूल में डालने की कोशिश की जा रही है, इनको इसके प्रति अवेयर किया जा रहा है, और जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं उनको भी इसके बारे में जागरूक किया जाएगा कि बच्चों को भीख मांगने ना भेजे पेरेंट्स। हम सर इसमें सबसे पहले तो जितने भी हमने स्लम का डाटा बनाया हुआ है यहाँ जाके एक बार इनको अवेयर करेंगे, इनकी डिटेल लेंगे और इन बच्चों को स्कूल में डालने की कोशिश की जाएगी, फिर इसके बाद फॉलोअप रेगुलर इनका होता रहेगा आगे के लिए।